गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पहले तो ये बताइए आप लोग बढ़िया तो हो ना? और बारिश वारिश आपके हो रही है या नहीं? मौसम ठंडा हो गया है अब तो पढ़ाई में मन लगता होगा। चलिए, हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे बेटा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में, और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में हम प्रेजेंट कंप्लीट कर चुके थे। संभवतः प्रेजेंट में आपके लिए कुछ भी रहा नहीं था, फिर भी आप एक बार जितनी एक्सरसाइज आप कर सकते हो उतनी करके देख लेना, ओके? जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं हम पास्ट टेंस की। किसकी बेटा? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होता क्या है? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पास्ट होता क्या है। पास्ट का मतलब होता है बेटा लास्ट। सिंपल सा समझ जाइए, लास्ट मतलब जो गुजर चुका है, चाहे एक सेकंड पहले की ही बात है बेटा। अगर एक सेकंड पहले की ही भी बात है तो वो पास्ट हो जाता है, ठीक है? मैं पहले भी बता चुका हूँ हम लोग क्या हैं। देखो, पास्ट को और प्रेजेंट को ही टेंस मानकर चलते हैं, फ्यूचर को टेंस नहीं मानते हैं। वो केवल अपनी इमेजिनेशन है, हम केवल कल्पना कर सकते हैं उसकी, उसके बारे में हम कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी यानी ऐसा नहीं है कि हम जिसको पूर्णतः अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकें कि ऐसा है, क्योंकि अगले कदम का किसी को पता नहीं रहता, ठीक है? तो फ्यूचर का कोई टेंस नहीं माना जाता, फिर भी हम अपने अध्ययन के लिए उसको टेंस मान के चलते हैं। हम बात कर रहे हैं अभी पास्ट की। पास्ट और प्रेजेंट क्या है? देखो, जो गुजर चुका है वो क्या होता है? पास्ट होता है बेटा, है ना? तो गुजर चुका है वो पास्ट होता है। एक चीज ध्यान रखना, यहां तक चाहे हमने अब तक कुछ भी पढ़ा हो, ध्यान रखना कि जो पास्ट टेंस होता है इसमें जितने भी भूतकाल की घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी यहाँ इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है? देखिए, पास्ट टेंस को हमने कितने भागों में, पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो, पहला है पास्ट, वही प्रेजेंट वाले, पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है बेटा, देखिए वही है अपने डिवाइडेशन हर टेंस का, यही होगा। देखिए, पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह डिवाइडेशन होता है, जैसे देखिए इंडेफिनिट होता है कि भाई जो क्या हो चुका है उसमें निश्चितता आती है एक तरीके की, और इसमें क्या आती है? कंटिन्यूटी में, यानी कंटिन्यूटी जिस समय की बात की जा रही है उस समय कोई चीज़ जारी रह रही हो, उस समय कोई चीज़ चल रही हो, तो वहाँ उसके लिए क्या आता है बेटा? कंटिन्यूअस आता है। परफेक्ट आता है जो पूर्णता ले चुका है, यानी जो कार्य किसी समय की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ वो क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। और पास्ट परफेक्ट में क्या आता है बेटा? जिस समय की हम बात कर रहे हैं पास्ट की, उसमें क्या है? देखो, पास्ट परफेक्ट में पूर्ण भी हो चुका है और थोड़ा उस समय चल रहा था, यानी पूर्ण हो चुका था और कुछ चल रहा था, ठीक है? तो ये चारों टेंस पास्ट के डिवाइडेशन होते हैं। अब देखिए हम इनको करते हैं। देखो, सबसे पहले लेते हैं हम बेटा अपने इंडेफिनिट को, ठीक है? इंडेफिनिट में अपने पास होता है, देखिए सिंपल सी इसकी पहचान, अब तक हमने क्या पढ़ा था? था और पढ़ते थे बेटा, ता था, ती थी, ते थे, लेकिन था इसमें नहीं लगता है। आप इसको ध्यान रखना अब यहाँ पर कि था का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ कॉमनली जिस चीज़ का प्रयोग होगा वो है आ ई ए की साउंड्स अगर आती हैं लास्ट में, आ ई ए, जैसे गया, सोया या फिर पढ़ा, सब में आ ई ए की कोई ना कोई साउंड जरूर आएगी, तो आप ध्यान रखेंगे। तो इसकी पहचान क्या होती है बेटा? ये क्या होती है? क्योंकि अगर इनके बाद था लगता है, ठीक है बेटा, अगर इनके बाद था लगता है तो वो कौन सा हो जाता है? मैंने बताया था आपको जिस समय हम परफेक्ट टेंस प्रेजेंट का पढ़ रहे थे, तो उस समय मैंने बताया था कि सर इनके बाद अगर आई ए के बाद अगर थी लगता है, था लगता है, थे लगते हैं, तो वो टेंस कौन सा हो जाता है बेटा? वो अपना हो जाता है पास्ट परफेक्ट, ओके? चलिए, इंडेफिनिट हुआ, इंडेफिनिट की पहचान हुई। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, एकमात्र ऐसा टेंस है, ध्यान देना, जिसमें कि
दो वर्ब्स प्रयोग की जाती हैं, यानी वर्ब्स की दो फॉर्म का यूज किया जाता है, फर्स्ट का और सेकंड का। कैसे करते हैं देखिए बेटा, अगर आपका, मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर लिख देता हूं तीनों के, ठीक है, जो हो हैं इसके। देखो पहला सिंपल टेंस का, सिंपल सेंटेंस अगर बात की जाए इंडेफिनेट के सिंपल की, तो इसमें छोटा सा होता है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ठीक है भाई। सर किसका प्रयोग करते हैं, अगर सेंटेंस सिंपल है तो V2 लगाते हैं, क्या लगाते हैं V2। और अगर अपना सेंटेंस नेगेटिव है, कैसा है बेटा नेगेटिव, तो यहां एक हेल्पिंग वर्ब आ जाती है इसके लिए डिड, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस, भाई नेगेटिव है तो नॉट तो लगना स्वाभाविक है, ओके देखो सब्जेक्ट प्लस डेड प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ATC, ओके कोई दिक्कत, संभवतः कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, सरल है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम आपको आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप बादाम वगैरह खाते हो तो दिमाग अच्छा चलता है आपका, ठीक है। हाँ तो सब्जेक्ट हुआ, इसके साथ एच भी हमने डेड लगा दी बेटा, है ना, नॉट लगेगा ही वी फर्स्ट। अब यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पर सिंपल सेंटेंस अगर होता है, जब हम नरेशन की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, जब सिंपल सेंटेंस होता है तो वहाँ क्या लगाते हैं बेटा V2 लगाते हैं, क्योंकि हमें नरेशन में क्या करना होता है, हर सेंटेंस को इंटरोगेटिव को क्या करना होता है, हमें असर्टिव करना होता है, अर्थात सिंपल करना होता है, और उस स्थिति में हम V2 का प्रयोग करते हैं, चाहे अपने पास डायरेक्ट स्पीच में डू डज के साथ में वी फर्स्ट लगी हुई हो, लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस करना है, क्योंकि पास्ट में चेंज करते हैं स्वाभाविक है, पास्ट में चेंज करते हैं तो अपन क्या लगाएंगे V2 का प्रयोग करेंगे, ओके। आगे बात करते हैं इसके इंटरोगेटिव की, या इंटरोगेटिव नेगेटिव जो भी हैं, देखो इंटरोगेटिव की बात करते हैं, ठीक है बेटा। इंटरोगेटिव में क्या होता है ध्यान देना, सिंपल सी बात है, इंटरोगेटिव दो प्रकार से बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं बेटा, एक तो WH वर्ड वाले होते हैं और दूसरे हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले होते हैं, तो हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, HV से प्रारंभ होने वालों की, WH वर्ड भी लगा देता हूं, है ना, आपकी समझने के लिए। देखो WH वर्ड, एक बात ध्यान रखना, कोई भी ऐसा सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होता जिसमें HV पहले नहीं आई, एक आध दो की बात नहीं कर रहे अपन, तो यहां ध्यान रखना WH वर्ड अकेला किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव नहीं बना सकता, वहाँ HV जरूर होती है, चाहे वो मॉडल के रूप में हो सकती है, चाहे अपनी जो कॉमन वर्ब्स हैं हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके साथ हो सकती है, जैसे WH वर्ड प्लस HV अपने पास क्या है डिड है बेटा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC एंड देन क्वेश्चन मार्क, ओके। तो ये अपना क्या हुआ, तीनों इसके स्ट्रक्चर होते हैं, ध्यान रखना अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है या नेगेटिव है तो वहां लगाते हैं डिड के साथ में वी फर्स्ट, ओके, अन्यथा सिंपल सेंटेंस के साथ इसमें हमेशा क्या लगती है बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर और नॉट क्लियर, क्योंकि आप बहुत होशियार बच्चे हो और मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप बहुत होशियार हो। देखते हैं अभी, जैसे मैंने सेंटेंस बनाया, हाँ बेटा नोट कर लेना एक बार इनको, है ना, पॉज करके आप, है ना, देखो मैंने सेंटेंस बनाया राम जयपुर गया, भाई तुरंत पहचाना आपने किसकी ध्वनि आ रही है, IE की ध्वनि आ रही है। सर टेंस कौन सा होगा, टेंस होगा पास्ट इंडेफिनेट टेंस, कौन सा होगा पास्ट इंडेफिनेट, 100% पास्ट इंडेफिनेट ही होगा, ठीक है, कोई आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पास्ट इंडेफिनेट होगा। और पास्ट इंडेफिनेट जब बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस है बेटा, कैसा है सिंपल है, कोई लाग लपेट थोड़ी लगी हुई है इसमें, ना नोट लगा हुआ है ना और कुछ लगा हुआ है, सिंपल है, सिंपल देखोगे तो आप सिंपल करोगे, फिर इसको कैसे करेंगे, सर सिंपल में तो हमने क्या लगाई थी V2 लगाई थी, ध्यान देना सब्जेक्ट अपना कौन है राम, वर्ब आती है दूसरे नंबर पर, स्ट्रक्चर याद रखना, थोड़ा सा दिमाग में स्ट्रक्चर जरूर होना चाहिए राम, V2 क्या है बेटा वेंट टू जयपुर, राम
वेन टू जयपुर। क्लियर? कोई दिक्कत? आपको इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सिंपल सेंटेंस है, देखो छोटा सा बनता है। वह गया, मान लो वह गया तो क्या होगा, ही वेंट, दो शब्द आए, सब्जेक्ट और वर्ब, हो गया अपना सेंटेंस कंप्लीट। ओके, तो क्या हुआ, राम वेंट टू जयपुर। अब बात करते हैं, मान लो ये कर लिया, ठीक है सर कर लिया, हो गया। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव में कैसे होगा, मैंने रामायण नहीं पढ़ी। ठीक है बेटा, मैंने रामायण नहीं पढ़ी। अब देखिए इसको, देखो मैंने रामायण नहीं पढ़ी, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर। अब आप कहोगे मैंने देखा ही नहीं, मैंने क्या होता है भाई, ये मैं ही है, और मैं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, आई। ठीक है, और आई एक ही साउंड आ रही है, तुरंत पहचान जाइए कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और यहां पर हम क्या लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट के लिए, क्या लगाते हैं सर, हम लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में डिड। क्या लगाते हैं, डिड, आई डिड, नहीं के लिए हमने लगाया नॉट, पढ़ने के लिए क्या आता है, रीड। ठीक है भाई, याद नहीं करवा रहा हूँ, लर्न भी हो सकता है, लर्न मतलब होता है याद करना, पढ़ना भी होता है एक तरीके से, वो भी आई डिड नॉट रीड द रामायण। ठीक है भाई, तो ये सेंटेंस अपना बन गया नेगेटिव। कैसा हुआ नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे पहचाना सर, लास्ट में क्या आ रही है, आई एक ही ध्वनि आ रही है। ओके, ऐसे ही इंटरोगेटिव को बना लेते हैं, जैसे क्या बनाया, क्या वह विद्यालय नहीं गई। ठीक है भाई, इसमें क्या आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में अपने पास क्या लगा हुआ मिलता है बेटा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा। ओके, देखिए कैसे बनाएंगे भाई, तुरंत पहले तो ये पहचाना क्या है सर, इसमें तो ये लगा हुआ आई ए की ध्वनि आ रही है, साउंड आ रही है आई ए की, तो हम तुरंत पहचानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कैसा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, देखो जब किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, कहाँ ट्रांसलेट किया जाता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, तो उस स्थिति में आप ध्यान रखना, अगर शुरुआत में ये शब्द आते हैं, इसको प्रश्नवाचक बनाने वाले शब्द कहाँ आते हैं, शुरुआत में, क्योंकि देखो अगर मैं इसको हटा लूँगा ना बेटा, तो ये कहाँ रह जाएगा, इंटरोगेटिव नहीं रहेगा। तो जब शुरुआत में ये शब्द आते हैं तो इनकी शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है, कहाँ से होती है, हेल्पिंग वर्ब से। दो सेंटेंस इसको देख लेते हैं पहले, एक अभी दूसरा बताता हूँ, देखो और एक और देखो, जैसे वह विद्यालय क्यों नहीं गई, एक सेंटेंस है ये, दोनों सेंटेंस हैं, इसमें तो कहाँ आ रहा है, शुरुआत में आ रहा है, तो ध्यान रखना कि जिसमें ये शुरुआत में आता है ना, क्या, तो उनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, किन से होती है, हेल्पिंग वर्ब से, जब हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तब। देखिए जैसे क्या लगाएंगे बेटा, सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो डिड लगाएंगे, डिड सी नॉट, अब जब पास्ट इंडेफिनिट है तो हमेशा, मैंने एक चीज बताई थी आपको ध्यान रखना, डू डज डिड इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है भाई, किस चीज का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो क्या किया हमने, देखो डिड सी नॉट जाने के लिए गो टू स्कूल। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत आई इसमें, डिड सी नॉट गो टू स्कूल, ऐसे ही इसको देख लो, यहाँ क्या है इसको समझना एक बार, जब वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने वाला जो शब्द होता है, वाक्य को प्रश्नवाचक कौन बना रहा है भाई, यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द है जो जिसको मैं हटा लूँ और वो प्रश्नवाचक नहीं रहेगा फिर ये सेंटेंस, देखो तो ऐसा शब्द इसको हटाने से तब भी प्रश्नवाचक रहेगा, इसको हटा लूँगा तब भी प्रश्नवाचक रहेगा,
अब ये है ऐसा जिसको मैं हटा लूंगा तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा। क्यों? जब ऐसे सेंटेंसों में ये जो प्रश्न ये शब्द है ना बीच में आते हैं, कहाँ आते हैं? बीच में, तो इनकी शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से की जाती है। किन से की जाती है बेटा? डब्ल्यू एच वर्ड से। कैसे करेंगे? देखो, क्यों को क्या बोलते हैं हम बेटा? वाई। क्या बोलते हैं? वाई। बोला, वाई बोलते हैं ना। अब देखिए, वाई से जब शुरू किया हमने तो इसके बाद भाई मैंने कहा था आपसे कि अभी डिड भी लगाना होता है सर, क्योंकि सेंटेंस ऐसे कोई रेयर ही मिलते हैं, एकाध दो वैसे मिलते नहीं हैं जिनके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगे और वो प्रश्नवाचक बन जाए। यानी हेल्पिंग वर्ब लगेगी तभी वो प्रश्नवाचक रहेंगे, क्योंकि सर हमने नरेशन में देखा था कि नहीं, डब्ल्यू एच वर्ड तो हम एज इट इज रख देते हैं कनेक्टिव के रूप में आई सी के स्थान पर, और उसके आगे क्या ले आते हैं? सब्जेक्ट ले आते हैं, जिससे सिंपल जो सेंटेंस है अपना कैसा हो जाता है? सिंपल हो जाता है, असर्टिव सेंटेंस हो जाता है बेटा। तो क्या किया हमने? वाई डिड सी नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड लगा हुआ है तो गो टू स्कूल। अब एक चीज और ध्यान रखना यहां पर, देखो ध्यान रखने वाली क्या बात है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि सर जब इन क्वेश्चनों की बात की जाती है, कौन से वालों की? इनकी, जो किससे शुरू होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। किससे शुरू होते हैं बेटा? हेल्पिंग वर्ब से। इनके उत्तर हमेशा हाँ या ना में ही होते हैं। किस में होते हैं? हाँ या ना में, ठीक है। जबकि अब जैसे इसको देखते हैं एक बार, देखो क्या वे विद्यालय नहीं गई, तो क्या कहोगे आप? हाँ या ना, हाँ गई या नहीं गई, जो भी है आंसर ये दे दोगे, हाँ या ना में दे दोगे। लेकिन जब इनसे क्वेश्चन किया जाता है, ये जो है डब्ल्यू एच वर्ड वाले, इनका आंसर हमेशा डिस्क्रिप्टिव होता है सर। कैसा होता है? डिस्क्रिप्टिव। जैसे मैं कहूँ हाँ वह विद्यालय, ये पूछा है वह विद्यालय क्यों नहीं गई? अरे कोरोना चल रहा था इसलिए विद्यालय नहीं गई। क्यों भाई? डर लगता ही है सभी को, आप भी तो घर स्टडी कर रहे हो, तो क्या है? सॉरी, वह विद्यालय क्यों नहीं गई, ठीक है बेटा। जब इसको समझा कैसे क्या है, देखो वह विद्यालय क्यों नहीं गई बीच में आ रहा है, तो इनके आंसर डिस्क्रिप्टिव देने होंगे सर। ओके, सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम आई आपको? कुछ नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ आएगी? वोकैबुलरी में। और आप अपनी वोकैबुलरी देखो थोड़ी सी बढ़ाइए, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप बहुत सारी बढ़ा लो, फिर भी आप कैसे बढ़ा सकते हो? आपके पास जो भी बुक्स पड़ी हुई हैं, पुरानी हो नई हो कैसी भी हो, आपको पढ़ने से मतलब, आप रीडिंग कीजिए, या फिर आपके भाई बहन कहीं से, कई बार ऐसा हो जाता है जैसे इंग्लिश का न्यूज़पेपर आ जाता है कई बार इधर उधर से, तो उनको आप देखा कीजिए, जिससे आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो, नॉट फॉर टेंथ क्लास, फॉर योर कंपटीशन, ठीक है। आगे अगर तुम कंपटीशन फाइट करोगे, इंग्लिश अगर उसमें ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ आपको वोकैब की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और वोकैबुलरी के बगैर आप कुछ नहीं कर पाओगे, असहाय महसूस करोगे, क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ नहीं मिलती हैं। वहाँ आपको क्या करना होगा? उसका सेंस निकालना होगा, देखना पड़ेगा कि सेंटेंस किस भाव को बिलोंग कर रहा है, फिर वो भाव आपको ऑप्शन में देख रखेगा, तो उसको फिर आपको ठीक करना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके, ध्यान देना बेटा। देखिए इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, सेंटेंस हम देख चुके हैं, बात आती है जो अब हमें पेपर में आता है वो क्या आएगा? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है सर हमें, क्या आती है? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये तो हमें जैसे कह दिया कि स्टोरी बनाने में काम आएगी सर, जैसे कहानी आ जाती है आपको, कोई स्टोरी आ गई, फॉक्स एंड ग्रेप्स आ गए, लॉयन एंड माउस आ गई, कोई भी आ गई, तो सारी स्टोरीज पास्ट में ही होती हैं। किस में होती बेटा? पास्ट में। हाँ, ट्वेल्थ क्लास में आप जाओगे तो आपके पास एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन करके टॉपिक आता है, तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट में चलता है, या फिर कुछ जैसे अगर आप राइटिंग सेशन में करोगे तो वहाँ पर कुछ राइटिंग्स ऐसी होती हैं जैसे प्लेजर ऑफ मॉर्निंग वॉक्स वगैरह, तो ये प्रेजेंट में लिखी जाती है, नहीं ज़्यादातर पास्ट में ही चलेंगी। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम जो टॉपिक है अपना, उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में बात कर रहे हैं, तो इसमें बेटा देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम नोट करना है इसकी एक बार, ठीक है। इनको नोट कर लेना बेटा, सेंटेंस को आप नोट कर लिया करो, आपके मोबाइल में पॉज वाला बटन है उसको दबाओ और नोट कर लो, ठीक है, आराम से। अब देखिए बात करते हैं हम इसके एडवर्ब ऑफ टाइम की, क्योंकि सर जरूरत तो हमें उनकी ही पड़ेगी, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है भाई। और एडवर्ब ऑफ टाइम में देखिए अपने पास बहुत सरल तरीका है, होते तो बहुत सारे हैं लेकिन हमने जो मोस्ट हैं उनके बारे में एक ट्रिक बना रखी है, और ट्रिक को आप याद रखोगे, ठीक है, याद भी हो जाएगा, कुछ के याद भी होगी। वैसे देखो एक लड़की का नाम है पी ए एल एल ए बी
वाई। ठीक है भाई, ठीक है। क्या नाम हुआ? पल्लवी। वैसे नाम होता नहीं है कुछ भी, पल्लवी कोई नहीं कहता, पल्लवी होता है कुछ ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पे याद रखना है आपको पल्लवी। कैसे बनाना है? पी से बना बेटा, पास्ट टाइम। क्या बनेगा? पास्ट टाइम कोई भी हो सकता है। एगो, क्या आया? एगो। इससे लॉन्ग लॉन्ग, इससे लास्ट। अब लास्ट के आगे बेटा देखो, ध्यान रखना, पास्ट तभी होगा जब लास्ट होगा। लास्ट के आगे मैं क्या जोड़ देता हूँ? देखो ये तो टी है ना, ऐसा मत समझना कि ये भी क्या है, टी है, ये टी नहीं है, मैं इसमें जोड़ रहा हूँ। देखो लास्ट, इसके आगे क्या जोड़ दिया मैंने? डे, वीक, मंथ और ईयर, जो भी और भी कुछ आ जाए, लास्ट संडे, मंडे, जो भी है लास्ट आ जाए। यहाँ आपको तो ध्यान किस पे देना है? सर इस पे ध्यान देना है, लास्ट पे, कि लास्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लास्ट। और लास्ट आ गया, आप तुरंत पहचान जाना कि टेंस कौन सा होगा सर? पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा। कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनेट। इस पे ध्यान मत देना भाई। देखो मेरे थोड़ी सी, आपकी तो हैंडराइटिंग अच्छी, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी उगली सी है, अच्छी नहीं है, खास ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो पहचान रहे हो ना अक्षर। तो पास्ट इंडेफिनेट, अगर ये सब आते हैं तो पास्ट इंडेफिनेट, और इसका मतलब आफ्टर, इसका मतलब बिफोर, इसका मतलब यस्टरडे। ठीक है भाई। और वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, ई टी सी। आपको याद रखना है पल्लवी, याद रहेगा पास्ट टाइम, एगो, लॉन्ग लॉन्ग, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, आफ्टर, बिफोर, यस्टरडे, वंस अपॉन ए टाइम। ठीक है, ओके। अगर ये आपको मिलते हैं किसी भी सेंटेंस में, कहाँ पर सर? किसी भी सेंटेंस में ये मिलते हैं और आपसे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछी जाती है और आपका सब्जेक्ट, वो सॉरी आपका सेंटेंस कैसा है? सर सिंपल सेंटेंस होने पर तो आपको क्या लगाना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या लगानी है सिंपल सेंटेंस में? ध्यान दे लेना भाई, कहीं ऐसे समझ जाओ कि ये क्या लिख दिया, सिंपल क्या लिख दिया, गलत लिख दिया सेंटेंस। ठीक है, अगर आपको सिंपल सेंटेंस मिलता है तो वी टू मिलेगा। क्या लगानी है आपको? वी टू का प्रयोग करना है। इन सब के होने पर किसी सेंटेंस में ये मिल रहे हैं तो आपको क्या लगानी है? वी टू, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में लगानी है, क्योंकि सेंटेंस कैसा है? सिंपल। स्थिति, कंडीशन यही है, सिंपल होना चाहिए सेंटेंस। अगर सेंटेंस आपका कैसा है? इंटेरोगेटिव है या नेगेटिव है? कैसा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव है? भाई ऐसा मत करना कहीं कि तुम सब में ये ठोकने लगो, गलत हो जाएगा। ध्यान देना है सेंटेंस इंटेरोगेटिव या नेगेटिव है तो वहाँ आपको लगानी है ये डिड लगानी है, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। क्लियर? सर क्लियर नहीं हुआ। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद ये क्लियर होंगे। इनको नोट करना बेटा, पास्ट टाइम, अगो, लॉन्ग लॉन्ग, लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, आफ्टर, बिफोर, यस्टरडे। आपको याद रखना पल्लवी, बहुत अच्छे से याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनको नोट करना, इनको भी लिखना, ओके। अब देखते हैं इसके दो चार सेंटेंस जिनसे हमें क्लियर हो जाएगा कि सर ये क्या बवाल है, क्या आफत है, ओके। चलिए, खाना वाना खाया करो, ढंग से रहा करो, है ना। देखो अब देखते हैं जिससे दिमाग सही चले। कहा जाता है ना कि भाई स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, निवास नहीं करता वो, निकल के कहीं नहीं जाता, रहता तो वहीं पे ही है। चाहे आप स्वस्थ रहोगे तब भी वहीं रहेगा, अस्वस्थ रहोगे तब भी वहीं रहेगा, लेकिन वो कार्य सही करता है जब आप स्वस्थ रहोगे तो, ओके। चलिए देखते हैं। हाँ, माई ब्रदर, लास्ट नाइट। ठीक है भाई, सॉरी। हाँ देखिए, माई ब्रदर
हेयर लास्ट नाइट मैंने ब्रैकेट में आपको दिया है कम, क्या दिया है कम, ठीक है। अब देखिए बेटा क्या लगा हुआ है लास्ट, तो लास्ट को देखते ही आप तुरंत कहोगे सर पास्ट, सर पास्ट नहीं है, पास्ट मतलब होता है गुजर जाना, सर तो जिंदे हैं तुम्हारे सामने देखो ठीक ठाक खड़े हुए हैं ना, तो आपको देखना है यहाँ पर। हाँ लास्ट मतलब पास्ट टेंस होता है, ऐसा मत समझना कि सर कोई लास्ट कर दो तुम। हाँ माय ब्रदर ब्लैंक हेयर लास्ट नाइट, मेरा भाई पिछली रात यहाँ आया, आने के लिए क्या होता है सर कम होता है, और हमें आई ए की साउंड आ रही है तो हम क्या लगाते हैं पास्ट इंडेफिनेट, और पास्ट इंडेफिनेट में सर वी टू क्या लगाएंगे केम, क्या लगाएंगे केम, क्लियर, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आपको बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ओके, बहुत होशियार हो, बहुत होशियार बच्चे हो, तुमसे उम्मीदें लगी हुई हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो क्या आएगा माई ब्रदर केम हेयर लास्ट नाइट, क्लियर बेटा। और देखिए मान लो सेंटेंस इंटरोगेटिव आ जाए, ऐसे आ जाए, कैसे आ जाए, ऐसे आ जाए ये, और यहाँ दिया यू, और यहाँ दिया ए लेटर टू योर फादर, और यहाँ मैंने दिया है राइट, ठीक है बेटा। और वो तो लिखा ही नहीं हमने, एक मिनट रुको, एडवर्ब ऑफ टाइम तो कुछ दी नहीं, सॉरी 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 ना, देखिए फादर, और यहाँ दिया मैंने यस्टरडे, क्या दिया बेटा यस्टरडे, ठीक है, और यहाँ मैंने आपको इसमें दिया है राइट, क्या दिया है राइट, ठीक है बेटा। अब देखिए सर क्या लगा हुआ है लास्ट में, यस्टरडे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है यस्टरडे, बहुत आसान है, यस्टरडे लगा हुआ है तुरंत पहचानोगे, क्या आ गया मज़े आ गए, एक नंबर या आधा नंबर पक्का बनेगा, कैसे बनेगा, बनेगा तभी जब यहाँ पर आप क्या लगाओगे डेड लगाएंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या लगा हुआ है भाई, ये लगा हुआ है कि नहीं, ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है और अपने पास क्या है, क्या लगानी है, कौन सा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वी फर्स्ट लगानी है डेड के साथ में, तो क्या लगा देंगे यहाँ पर राइट का राइट ही लगा देंगे भाई, दिमाग मत लगा देना कहीं यहाँ पर भी वी टू लगाने की सोचो, ऐसा दिमाग लगाया तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, नंबर चला जाएगा, फिर घर आकर सोचोगे कि ये क्या हुआ, ना मेरी गलती रहेगी ना आपकी गलती रहेगी, गलती क्या रहेगी आपके दिमाग की रहेगी कि आपने उस समय वहाँ उसको कैसे यूज़ किया, ओके। चलिए क्या लगाया हमने डेड के साथ में वी फर्स्ट लगाई और हो गया अपना ये, ठीक है, तो इस तरह आपके ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको एडवर्ब ऑफ टाइम का ध्यान रखना है, क्या याद रखना है पल्लवी, क्या याद रखना है पल्लवी, ठीक है। और वंस अपॉन ए टाइम तो आप देखते ही रहते हो, हर कहानी में लिखा होता है वंस अपॉन ए टाइम, एक बार एक शेर था, ठीक है, ऐसा ध्यान देना कर लोगे। एक एग्जांपल और देखो, देखिए Why us last day, और यहाँ मैंने दिया है और यहाँ दिया है मैंने प्ले, क्या दिया बेटा प्ले, क्या करोगे भाई, क्या लगा हुआ है सर लास्ट लगा हुआ है, लास्ट को देखिए पास्ट करिए, पास्ट करना है तो वाई के बाद क्या लगाना है डेड लगाना है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बस इतना सही काम करना है आपको, डेड लगा कर प्ले का तो प्ले यूं कि त्यों रख ही देना है, ओके, याद रहेगा, याद रहेगा, पक्का याद रहेगा, क्योंकि आप बहुत होशियार बच्चे हो, बहुत बहुत होशियार बच्चे हो, है ना। चलिए करें इसको, कोई दिक्कत इसमें पास्ट इंडेफिनिट में आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालिए कि ये दिक्कत आई, आफत आ गई, या कोई बला आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई शंका आई, तो वहाँ आप उसको क्लियर कीजिए, ओके, ठीक है। चलिए
बात करते हैं बेटा हम बात करते हैं अभी पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक बार कंपैरिजन करते हैं। अब तक हम जितने पढ़ चुके हैं उनको आप पहचानो एक बार। देखो ध्यान देना, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर। सी दिया मैंने यहां पर आपको ब्रैकेट में काम, और देखिए एवरी इवनिंग यहां पर दिया है मैंने प्ले, ठीक है बेटा। आगे देखिए ब्लैंक दे ए नोट लास्ट नाइट, और यहाँ पर मैंने दिया है राइट। और देखिए सी स्टिल म्यूजिक, और यहाँ दिया है मैंने लिसन, ठीक है बेटा। ये सेंटेंस हैं, देखो इनको एक बार आप देखिए इनको। हाँ हमने क्या दिया है सी ऑफन हेयर एट नाइट, और यहां दिया है मैंने कम, क्या दिया है कम, ठीक है। आप देखिए कौन सा क्या भरेंगे बेटा, आपको याद होगा तो क्या फिल करना है ब्लैंक में, अगर याद होगा तो बताओगे। देखो मैं बता देता हूं यहां पर क्या दिया हुआ बेटा, ऑफन जो किसका है सर सुगर असोनी, प्रेजेंट इंडेफिनेट, किसका है प्रेजेंट इंडेफिनेट, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर है, कैसा है सिंगुलर है, सेंटेंस सिंपल है, तो आप क्या भरेंगे एस या ईएससी कम्स, क्या आ जाएगा सर सिंपल सी बात है कम्स आ जाएगा, एस या ईएस का प्रयोग करेंगे तो कम में क्या लगाएंगे कम्स लगा देंगे, ओके। और आपको इस तरीके से क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा मत करना सर आधा आधा क्या होगा, अरे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, आधे आधे नंबर लाओगे तो वो बहुत होते हैं, ठीक है। आठ आती हैं ये करेक्ट फॉर्म पर, आपको एट आएंगे, और एट में आपको अगर आधा आधा मिला चार नंबर मिलेंगे, चार नंबर का क्या है एक परसेंटेज बढ़ जाती है, सिंपल सी बात है। राम ब्लैंक क्रिकेट एवरी इवनिंग, सर एवरी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है एवरी, क्या लगाएंगे सर एस आई एस का ही प्रयोग करेंगे, सिंपल सेंटेंस है। राम प्लेज क्रिकेट एवरी इवनिंग, राम प्रत्येक शाम क्रिकेट खेलता है, ओके। आगे देखिए प्लूरल लगा हुआ है, सेंटेंस कैसा है प्लूरल है, और क्या है लास्ट लगा हुआ है, तो सिंगुलर प्लूरल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आपको सिंपल पहचान जाना है पास्ट इंडेफिनिट है, कौन सा है पास्ट इंडेफिनिट, लास्ट मतलब पास्ट, तो क्या लगा हुआ है लास्ट लगा हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे सर शुरुआत किससे हो रही है हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, तो क्या लगाएंगे डेड, और जो ब्रैकेट में है उसको यूं के त्यों लग देंगे राइट, डेड दे राइट ए नोट लास्ट नाइट, ठीक है ठीक है। आगे देखिए अगला, देखिए क्या लगा हुआ है सर पूरे के पूरे सेंटेंस में, शब्द ही तीन है कुल में, कितने तीन, तो क्या आएगा भाई तो ये नहीं काफी है हमारे लिए, तो हमारे लिए जो काम की चीज है ये रही स्टिल, स्टिल किससे बिलोंग कर रही है नाश्ता से, तो हम क्या लगाएंगे सी इज स्टिल, और यहां पर आईएनजी वाली फॉर्म लिसनिंग म्यूजिक, सी इज स्टिल लिसनिंग म्यूजिक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस तरह आप एक्सरसाइज निकाल के देखिए, जो भी आपको प्रॉब्लम आए
हमें भेजिए, हमारे कमेंट्स बॉक्स में डालिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ओके। और बेटा इनकी जितनी एक्सरसाइज निकालोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उससे क्या है, आपको रनिंग में आ जाओगे, आपको तुरंत सेंटेंस देखते ही पता चलेगा कि क्या है, ठीक है, ओके। और शेष भाग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके, ठीक है बेटा, इनको नोट कर लेना, ओके।